नमस्कार साथियों, नरेश मित्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ साथियों, चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट यहाँ देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले नई 10 भर्तियों के लेकर। जी हाँ साथियों, बेरोजगार साथियों का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि 10 विभागों में भर्तियों का वर्गीकरण जारी हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, बिल्कुल स्किप न करें ताकि आपको 10 भर्तियों के बारे में जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भर्तियों रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्या पूरी अपडेट है देखिए दोस्तों। 16,000 पदों पर निकली वैकेंसी, सातवीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। जी हाँ साथियों, देखिए सातवीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अगले एक महीने में 10 विभागों में 16,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है और जिसके लिए सातवीं पास से लेकर ग्रेजुएट भी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जानेंगे अब कौन से विभागों में कितने पदों पर भर्तियाँ हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान MS में 3,055 पदों पर ये वैकेंसी है और होमगार्ड की बात करें तो 1500 पद पर है और कर्मचारी भविष्य निधि में बात करें तो 2,859 पदों पर और गेल इंडिया लिमिटेड में बात करें तो 120 और सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो 245 और बिहार विधानसभा में बात करें तो 69 पदों पर और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो 63 पदों पर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9,212 पदों पर और न्यू क्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 325 और इग्नू की बात करें दोस्तों 200 पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।